बड़ा दिलचस्प रहा है संसद में दोनों सदनों में जो घमासान हुआ है, जमकर शायरी हुई, जमकर नारेबाजी हुई, जमकर बयानबाजी हुई, जमकर भाषणबाजी हुई। सबके बीच में कुछ और चीज़ें रहीं जिन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री मोदी की कूड़े वाली बोतलों से या प्लास्टिक की रिसाइकल्ड बोतलों से बनी हुई जैकेट, जैसा उसके बारे में बताया गया, या फिर जब इस पर सवाल खड़े किए गए या कीमत की बात की गई, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे अपने स्टोल को लेकर, अपने मफलर को लेकर घिर गए, ये भी जानना दिलचस्प है। तो राजनीति के इन पहलुओं को भी संसद के दोनों सदनों में और जितने सत्र चल रहे हैं और इसमें जो भाषणबाजी चल रही है उसके दौरान कई इन रंगों को भी देखने का मौका लोगों को मिला। कुछ बताता हूं मैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अदानी को लेकर खूब चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों पर पीएम मोदी ने 8 फरवरी को न केवल जवाब दिया बल्कि पीएम ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा भी कर दिया। पीएम मोदी ने शायरी के माध्यम से यूपीए सरकार पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा, तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर इन सब से इतर एक बार फिर कांग्रेस महंगे कपड़ों के कारण छाई रही। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राहुल की टी शर्ट के बाद अब किसके कपड़ों पर विवाद शुरू हो गया है, किन कारणों से सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की जैकेट तो चर्चा में आई लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी चर्चा में आ गए। दरअसल 8 फरवरी को पीएम मोदी एक नीले रंग की जैकेट पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदानी समूह के मुद्दे पर अपनी बात रखी और गरीबों का हवाला दिया। उन्होंने सरकार पर गरीब विरोधी होने के आरोप लगाए लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा उनके लुई विटन के महंगे शॉल की होने लगी। इस शॉल को लेकर भाजपा नेताओं ने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अन्य यूजर्स ने भी खड़गे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाजपा का दावा है कि ये मफलर या शॉल फ्रांस के ब्रांड लुई विटन का है और इसकी कीमत 56,000 रुपये है। क्या थी पीएम मोदी की जैकेट की खासियत, वो भी जान लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के शॉल की तुलना पीएम मोदी की जैकेट से की जा रही है। पीएम मोदी जो जैकेट पहनकर पहुंचे थे उसे बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया था। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर उन्हें जैकेट गिफ्ट के रूप में दिया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उन्हें उपहार में यह जैकेट दी थी। बताया गया कि पेट्रोल पंप पर असिस्टेंट को भी यही जैकेट दी जाएगी। इंडियन ऑयल ने 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकल करने का प्लान बनाया है। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए खड़गे और किस तरीके से जैकेट का जवाब शॉल से मिला वो भी जानिए। सोशल मीडिया पर इस जैकेट और खड़गे के शॉल को लेकर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दोनों की तस्वीरें शेयर की। एक में पीएम मोदी बैठे थे और दूसरे में खड़गे का महंगा शॉल दिखाया गया। पूनावाला ने दावा किया कि खड़गे का मफलर लुई विटन का है और इसकी कीमत 56,000 रुपए है। उन्होंने लिखा, टेस्ट अपना अपना, मैसेज अपना अपना। प्रधानमंत्री मोदी नीली जैकेट पहनकर ग्रीन मैसेज दे रहे हैं कि कैसे सबकी भागीदारी से पर्यावरण की रक्षा की जाए। वहीं खड़गे जी महंगी एलवी स्कार्फ पहने हुए हैं, मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं। लोगों ने क्या कहा इस पे? द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्विटर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर शेयर की और कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष लुई विटन का मफलर पहन रहे हैं जो कि दिल के करीब है। क्या हम मान लें कि उनकी लुई विटन में दिलचस्पी है? क्रोनी कैपिटलिज्म, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बता दें कि बुधवार को चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर धनखड़ की आय के बारे में भी बात की थी। इस दौरान सदन में काफी ठहाके भी लगे थे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला लगातार ऐसे मुद्दों पर अपने ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने प्लास्टिक रिसाइकल जैकेट का जिक्र कर बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी सतत विकास और पर्यावरण का हरा संदेश देते हैं तो खड़गे ने 56,332 रुपए का महंगा लुई विटन का स्कार्फ पहना। उन्होंने ट्वीट किया, स्वाद अपना अपना, संदेश अपना अपना, कोई फैसला नहीं कर रहा है। पूनावाला ने आगे कहा, अगर वो लुई विटन का स्कार्फ या बर्बरी की टी शर्ट पहनते हैं, बर्बरी की टी शर्ट वही जो राहुल गांधी पहनते हैं, और गरीबी के बारे में बोलते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ये उनकी मानसिकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बर्बरी टी शर्ट की काफी आलोचना की गई थी। बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी के सूट को कांग्रेस सामने ले आई थी। तो नेताओं के कपड़ों को लेकर इससे पहले भी चर्चा होती रही। आपको यह भी बता दें कि ऐसा कि कोई पहला मौका नहीं हो, एक दो चेहरे नहीं है जिनके बारे में चर्चा होती है। इससे पहले टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा भी सदन में महंगा बैग लेकर आने को लेकर ट्रोल हुई थी। वो सदन में महंगाई के मुद्दे पर बोल रही थी लेकिन उनके पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा की कीमत का बैग था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई थी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट पर भी खूब चर्चा हुई। भाजपा का कहना था कि जिस टी शर्ट को पहनकर राहुल गांधी गरीबों से हमदर्दी की बात कर रहे हैं उसकी कीमत 41,000 रुपये है। और अब ताज़ा इसमें मामला जुड़ गया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्कार्फ का, जिसके बारे में बीजेपी का दावा है कि ये 56,000 का है। बहरहाल इस सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का रिसाइकल बोतल से बना हुआ जैकेट जो है वो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी कह रही है टेस्ट अपना अपना, मैसेज अपना अपना। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।